love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एयरलेस पेन स्प्रे मशीन लेके आऊँ जो कि ट्वेक सर्विस की है। दोस्तों ये कंपनी बॉम्बे के अंदर कम से कम 40-42 साल से ये मशीनों में काम करती है जो उनसे हमारी पेंट के काम में आती है। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो TS395 ये इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों जो सर मैंने वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों एक हमें इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है क्योंकि ये आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, कोरियन भाषा में है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ आएगी। दोस्तों एक इसके साथ हमें प्लास्टिक का कप मिलता है, ये भी मैं बताऊंगा किस जगह फिट होना है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ ऑयल कीप मिलती है, ये भी मैं बताऊंगा किस जगह ये ऑयल हमारा लगेगा। और दोस्तों एक हमें टिप मिलती है, टिप के साथ हमें टिप सील भी मिलती है जो सा टिप का नंबर है ये 5 नंबर का, जिसके साथ फुहारा हमारा 10 इंची तक का पड़ेगा। और दोस्तों एक हमें इसके साथ फिल्टर मिलता है। और दोस्तों एयर प्रेशर चेक करने के लिए एक हमें इसके साथ मीटर मिलता है। और दोस्तों अगर मैं इसके पाइप की बात करूं तो 10 मीटर का हमें पाइप मिलता है। और इसके साथ हमें एक एयर प्रेशर गन मिलती है। दोस्तों अगर मैं गन की सारे की स्पेयर पार्ट की बात करूं तो सारे स्टेनलेस स्टील में, यानी कि जंग नहीं लगेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलेगी। और दोस्तों एक हमें इसके साथ सेक्शन पाइप मिलता है। अगर सेक्शन पाइप की मैं क्वालिटी की बात करूं तो सारे पार्ट इसमें अल्मीनियम में, क्योंकि ये पानी में ही ज़्यादातर वर्क करेगा। दोस्तों एक हमें इसके साथ अल्युमिनियम के एक्सटेंशन रोड मिलती है। दोस्तों ये मशीन की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों अगर TS की यहाँ पर कंपनी ने ब्रांडिंग कर रही है, इसका मतलब क्या है, ट्वेक सर्विस के नाम से बॉम्बे में इनकी कंपनी है। और दोस्तों 40-42 साल पुरानी कंपनी है, यानी कि 1982 में इन्होंने काम चालू किया था। और दोस्तों कोई भी, यानी कि पेंट में कोई भी हमारी मशीनरी या टूल वगैरह इस्तेमाल होता है उस कंपनी सारी सभी टूलों में ये कंपनी डील करती है। अगर मैं दोस्तों इसकी वेट की बात करूँ 13 किलो 700 ग्राम वेट है। और दोस्तों हैंडल बड़ा इनका कंफर्टेबल है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो पकड़ने के लिए। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ब्लू और इन्होंने सिल्वर में कर रखा है। जितने भी आपको ब्लू पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये प्लास्टिक है, जितने भी आपको ये सिल्वर में नजर आ रहे हैं ये सिल्वर में है। और दोस्तों अगर मैं इसकी वायर की बात करूं तो 2 मीटर के करीब इसकी वायर है, कॉपर वायर है। और 2 पिन का हमें इसके साथ सॉकेट मिलता है। अगर मैं इसकी वाट की बात करूं तो 2000 वाट की है। और दोस्तों इसमें कॉपर बैंडिंग कंपनी ने कर रखी है और 6 महीने की हमें वारंटी मिलती है। और ये ब्रशलेस मशीन है, ब्रशलेस का मतलब ये है इसके अंदर ब्रश नहीं डालने पड़ेंगे। आम मशीनों में क्या होता है आपको ब्रश 1 से 2 महीने में चेंज करने पड़ेंगे, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। जितनी भी ब्रशलेस मशीनें होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, आपको पता भी होगा, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलती है। दोस्तों मैं आपको इसका ऑन ऑफ का स्विच का बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ये यहाँ से ऑन और ऑफ होगी। और दोस्तों ये यानी कि हीट हो जाएगी तो अपने आप यहाँ से ट्रिप कर जाएगा, ये देखो इन्होंने दे रखा है हीट का, ये अपने आप ट्रिप कर जाएगा। और बाकी दोस्तों जितनी भी इसकी अटैचमेंट है वो अब मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों कंपनी ने एक मशीन के अंदर 3 फिल्टर दे रखे हैं। एक फिल्टर ये वाला है, ये देखिए, आपको चाबी वगैरह के लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ के साथ ही टाइट हो जाएगा। दोस्तों एयर मीटर वॉच हमारी यहाँ जाके फिट होगी। ये हमारा फिल्टर फिट होगा।
और जो सा ऑयल देना हमें कभी भी, यानी कि जब हम सफाई करें तब भी देना, जब हम बंद करके रखें चार चार पाँच पाँच बूंदें इसके अंदर हमने डाल देनी है। दोस्तों हम क्या करेंगे, टिप होल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद तो हम इसके अंदर ये टिप सील डालेंगे। तो हमने ये आगे इसके अंदर ऐसे ऐसे लगा लेनी है इस तरीके से, और ये हमें ऐसे करके लगानी है। देखो ये मैंने लगा दी इस तरीके से करके, और इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका ये आगे की तरफ रहेगा, जिधर की तरफ आपने दीवार में स्प्रे करना है, ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। दोस्तों सील हमारी अंदर जा चुकी है, अब हम क्या करेंगे टिप को अंदर डालेंगे। तो हमने क्या करना है, नीचे पुश कर देना है। पुश करने के बाद तो हमने इसको इस तरीके से टाइट कर देना है। और ये वाला पोर्शन आपका दीवार की तरफ रहता है, जिधर की तरफ आपने स्प्रे करना है। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने इसकी फिट कर दी है तकरीबन, तो अब मेरा बाकी काम इसका चलाने का रह गया, वो मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ तो कैसे चलती है। दोस्तों जो सी एयरलेस पेंट स्प्रे मशीन का मतलब क्या, आमतौर पर हम जो से पेंट वगैरह करते हैं या नेवल पेंट वगैरह करते हैं या हाई ग्लोस पेंट वगैरह करते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मल हमारे पास कंप्रेशर होता है, उसके आगे हमारी जो सी स्प्रे गन होती है उसके अंदर बकेट होता है, आधा लीटर के करीब आता है। तो दोस्तों हमें बार बार उसको या तो रोक रोक के भरना पड़ता है। इसके अंदर क्या 500 लीटर 400 लीटर 100 लीटर आप लगातार इसके साथ स्प्रे कर सकते हो, यानी 8 घंटे आप लगातार इसके साथ वर्क कर सकते हो। दोस्तों आम जो से पहले के हमारे कंप्रेसर होते थे उसके अंदर क्या, जब हम उसको ऑन करते थे तो यानी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, या उसके नीचे टाट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देते थे जिसके साथ फर्श भी डैमेज हो जाता था, या उसकी बेल्ट ओपन होती थी, एक्सीडेंट का भी बहुत ज़्यादा यानी कि रिस्क रहता था, एक्सीडेंट का डर रहता था। तो दोस्तों इसकी अगर मैं इसकी पैरों की बात करूँ तो काफ़ी हैवी ड्यूटी, इसकी रबड़ भी काफ़ी इन्होंने हैवी ड्यूटी लगा रखी है। और दोस्तों अगर मैं इसके यानी कि बैलेंस की बात करूँ, जिस हिसाब से मशीन हैवी ड्यूटी है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ये अपनी, इसके अंदर हमें ऐसा नहीं होगा कि नीचे कोई चीज़ देनी पड़ेगी, यानी कि चलते चलते कई बार क्या होता है बड़े बड़े कंप्रेसर चलते चलते साइड में दीवार को भी यानी कि डैमेज कर देते हैं, यानी कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, सेफ्टी पॉइंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। दो तीन मशीनों की मैं आपको कैटलग भी दिखा देता हूँ, सामने आपको स्क्रीन पर इनकी कैटलग नज़र आ रही होगी। और दोस्तों इनकी यहाँ पर बॉम्बे में शॉप है तो मैंने बॉम्बे का भी शूट कर रखा है, थोड़ी सी आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं टॉयक सर्विस शॉप पर आ गया हूँ बॉम्बे के अंदर, जैसे आपको इनकी शॉप नज़र आ रही होगी। दोस्तों हर एक तरीके की जैसे आपको ये मशीनें नज़र आ रही होंगी, देखो ये सामने मशीनें पड़ी हैं, हर एक तरीके की यानी कि पेंट की स्प्रे की मशीनों में ये डील करते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी स्पेयर पार्ट की दिक्कत नहीं होगी, सभी तरीके के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे और ये सर्विस भी खुद ही करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो दोस्तों इसका प्राइस 25,000 रुपये है। दोस्तों GST और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, इंडिया में आप जहां मर्जी इनसे मंगवा सकते हो। अगर दोस्तों किसी को परचेज करनी हो, सामने आपको कस्टमर केयर नंबर नज़र आ रहे होंगे तो वहां जाके आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों हमने इस मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं अब आपको बताऊँगा, क्योंकि पहले मैंने पानी ले लिया, पानी में इस्तेमाल करके दिखाऊँगा आपको, उसके बाद मैं आपको कोई भी हम कलर या डिस्टेंपर वगैरह करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करके दिखाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन पाइप को हम क्या करेंगे पानी के अंदर डुबो देंगे, उसके बाद ये ओवरफ्लो पाइप है इसको हम बाहर रखेंगे। जब हमने मशीन को ऑन करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला लीवर हमारा नीचे की तरफ कर लेना, ऐसे थोड़ी सी पावर लगेगी और पीछे से मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखो यहाँ से हमारा पानी निकलना चालू हो जाएगा, तो हम इसको नीचे बीच में डुबो देंगे। डुबोने के बाद क्या करेंगे, हम लीवर को ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठाने के बाद दोस्तों इसका PS हाई प्रेशर जो सा 3000 तक जाता है, वो अपने हिसाब से आप कम बढ़ती कर सकते हो। कम बढ़ती कैसे करना, जैसे ये देखो ये मैंने कम कर लिया, मुझे जितना प्रेशर चाहिए उसी हिसाब से मैं इसको ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। ये देखो ये मैंने बिल्कुल लो पर लिया, ये मैं 0 पर लिया, अब मुझे हाई चाहिए। ये देखो ये आपके हाथ में, आप इसे इस लीवर से आप कम बढ़ती PSI कर सकते हो। दोस्तों ये देखो इसका प्रेशर आपको नज़र आ रहा होगा, अब मैं इसके अंदर आपको कलर डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों कभी भी कोई भी पेंट वगैरह करते हो, जैसे एनेमल करते हो या डिस्टेंपर करते हो, तो उसको क्या करना, आपने छान लेना सूती धोती के साथ, उससे क्या होगा रिजल्ट आपका और ज़्यादा बेस्ट निकलेगा।
जो भी हमारा छोटा मोटा कचरा होगा वो हमारी धोती में रह जाएगा, यानी कि इससे क्या होगा, स्प्रे की जो सी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी मशीन की आपकी, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएंगे आपके। दोस्तों डिस्टेंपर हमने बाल्टी के अंदर डाल दिया, अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग करेंगे। दोस्तों अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा, ये देखिए, अगर वर्टिकल करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। दोस्तों स्प्रे करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जोनसा हमने इसका डिस्टेंस रखना है वो 12 इंची के करीब रखना है, यानी कि दीवार से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 12 इंची होना चाहिए, तभी जाके इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो एक तरफ वो कारीगर हमारा ब्रश के साथ कर रहा है तो एक तरफ मैं मशीन के साथ करूँगा, आप टाइम का खुद ही देख लेना भाई कितना फ़र्क आपको नज़र आता है। दोस्तों आपको दोनों तरफ का मैं फ़र्क दिखाता हूँ, अभी उनसे बस सिर्फ 5-6 इंची का पट्टा ही हुआ है 9-10 फुट तक का, ये देखिए, और यहाँ पर पूरी जो सी दीवार है, यानी कि नीचे से लेके, यानी कि समझ लो 7.5 फुट तक और ऐसे 10 फुट तक कवर हो गई है। तो देखिए कितना फास्ट काम कर रही है और कितना अच्छा काम कर रही है, ये आपके सामने है। दोस्तों इसके साथ हमें एक्सटेंशन रोड मिलती है। दोस्तों ये किस काम में आती है, ये जैसे हमने छतों वगैरह पर करना, जैसे हमारा यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता ये वहाँ तक काम आती है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक की एक इसके अंदर सील होती है, वो कभी निकलनी नहीं चाहिए, ये देखिए प्लास्टिक की वाशल है वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए, ये इस तरीके से आगे फिट हो जाती है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा रोड लगाने से ये फायदा है, यानी कि किसी भाई को एलर्जी वगैरह भी होती है, यानी कि 1 फुट का वैसे डिस्टेंस मिल जाता है, 2 फुट का ये, यानी कि 3 फुट की दूरी से आप अच्छी तरीके से इसको स्प्रे कर सकते हो। जैसे आपकी छतें वगैरह, जैसे मेरी हाइट जन की यहाँ तक थी, मैंने ऊपर भी अगर करना तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से इसको कर सकता हूँ। दोस्तों ये देखिए फिनिशिंग किस तरीके से आई है, ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरे ख्याल 2 या 3 मिनट बड़ी मुश्किल से लगेंगे इस वाल के लिए, वैसे तो मैंने यहाँ से किया है ये देखिए, क्योंकि इधर की तरफ थोड़ा अंधेरा आपको पता नहीं लग रहा, इसलिए वो मैंने क्लियर वाला वो देखिए, ये देखिए कितना। दोस्तों इस स्प्रे के साथ आप हर एक तरीके का, यानी कि पेंट वगैरह कर सकते हो, एनामल पेंट कर सकते हो, अपॉक्सी बेस वगैरह कर सकते हो, प्लास्टिक पेंट वगैरह कर सकते हो, और दोस्तों अन्य कई प्रकार के आप इससे पेंट कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ नहीं इससे होती, सिर्फ एक पुट्टी का काम नहीं इसके साथ होता, उसके लिए मशीन अलग हमें परचेज करनी पड़ती है, बाकी इसके सारे हर एक तरीके का काम आप इसके साथ कर सकते हो। दोस्तों इसको वॉश करना यानी कि बहुत आसान तरीका है, जब तक हम देखो ये वाला हम पाइप को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको, जब तक यहाँ से क्लियर पानी नहीं निकलना चालू हो जाएगा, पकड़ना जरा इसको, तो जब तक हम इसको करते रहेंगे, ये देखना इसमें क्लियर पानी, देखिए दोस्तों स्प्रे गन में कितना साफ पानी आ रहा है, ये देखो ये बिल्कुल वॉश हो जाएगी अंदर तक, देखो बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा है, ये देखिए मैं आपको हाथ में करके दे रहा हूँ, ये बिल्कुल यानी कि क्लियर पानी है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा पानी आ जाए। अगर हम एनामल पेंट वगैरह का काम करते हैं तो थिनर दोस्तों 1 से 1.5 लीटर के करीब लगेगा आपका, और बड़ी आसानी से वॉश हो जाएगी आप। दोस्तों एयरलेस स्प्रे मशीन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ से आपको परचेज करनी है, क्या क्या ये काम कर सकती है, और कैसे कैसे ये हमें इनके पार्ट्स वगैरह फिट करने हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।